आरोग्य जागृति। कोरोना के कारण अब लोगों में म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी का डर सता रहा है। म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी कोरोना से पीड़ित लोगों को देने वाली स्टेरॉइड नाम की दवा के कारण हो रही है। ये बीमारी हमारे आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन क्या कोरोना में देने वाली ये दवाइयाँ किडनी को भी नुकसान पहुंचा रही है? किडनी के बीमारी से पीड़ित लोगों को क्या इन दवाइयों से साइड इफेक्ट हो रहा है? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब हम लेंगे डॉक्टर सचिन सोनी जी से। डॉक्टर सचिन सोनी ये बेहद ही अनुभवी नेफ्रोलॉजिस्ट है, औरंगाबाद के मेडिकवर हॉस्पिटल में कार्यरत है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना में देने वाली ये दवाइयों का किडनी पर कितना असर होता है। पोस्ट कोविड के बाद होने वाले किडनी पे असर, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज डॉक्टर सचिन सोनी सर से, जो मेडिकवर में एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, काफ़ी अनुभवी है। उन्हीं से जानेंगे कोरोना पोस्ट कोविड से किडनी के ऊपर क्या असर होते हैं। कोविड की वजह से नए नए बीमारियां, नए नए कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। उसमें किडनी बीमारी भी होती है, ये हमने देखी है, पर इसका प्रमाण भिन्न भिन्न राष्ट्रों में अलग अलग पाया गया है। कुछ यहाँ एकदम अल्प प्रमाण है तो अमेरिका जैसे देशों में कोविड के बीमारी से शुरुआती इसमें तकरीबन 40-50% लोगों को कुछ न कुछ स्वरूप का किडनी बीमारी नज़र आया था। सुदैव बोलिए नसीब से हम लोगों के यहाँ कोविड संबंधित किडनी बीमारी का 40-50% इतना प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड के सीरियस जो मरीज़ है उनमें किडनी बीमारी देखी गई है। इनमें से कुछ लोगों को नए से किडनी डायलिसिस भी करने की ज़रूरत पड़ी है। अब इसमें दो तीन बातें हैं कि कुछ सुदृढ़ लोग हैं जिनको कोविड हुआ है और सिर्फ कोविड की वजह से किडनी बीमारी आई है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोविड के कॉम्प्लिकेशन हुए और कॉम्प्लिकेशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट किडनी पे हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही कोई किडनी बीमारी थी लेकिन कोविड की वजह से वो बीमारी बढ़ गई है। फ़र्ज़ करो कि उनका स्टेज 3 का बीमारी था, यानी जो एक मध्यम स्वरूप का बीमारी था, और कोविड की वजह से वो बीमारी बढ़कर 5वें स्टेज तक चला गया, उनको डायलिसिस करने का ज़रूरत पड़ा। इस तरीके के भी मरीज़ हमने देखे हैं। और कुछ लोग ऐसे खासकर किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, उन लोगों को भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। और ये सब इन लोगों को भी सही उपचार की ज़रूरत है। हमने हमारे पास कई किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उनका यशस्वी उपचार किया है। और इन जनरल पहले ये माना जा रहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट में मौत की संख्या या मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी, पर हमारे ऑब्जर्वेशन में उनका जो डिसीज़ पैटर्न या कॉम्प्लिकेशन का पैटर्न जो है वो सामान्य रुग्ण के जैसा ही है। वो एक दिलासाजनक बात है, ऐसा मैं समझूंगा। तो कुल मिलाकर कोविड किडनी में कई तरीके से असर कर सकता है। एक डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, कोविड बीमारी में जो कुछ भी मेडिसिन यूज़ होते हैं कभी कभी उनका भी कुछ साइड इफेक्ट किडनी पे हो सकता है। तीसरा है कि जो सीरियस पेशेंट है, यानी कोविड की वजह से समझो लंग का कॉम्प्लिकेशन हो गया या पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया या कोविड की वजह से बीपी डाउन हो गया, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किडनी पे होके किडनी का काम कम हो सकता है। या फिर जिनको ऑलरेडी किडनी बीमारी है उनका किडनी का प्रॉब्लम ये कोविड की वजह से बढ़ सकता है। कोरोना में पेशेंट को काफ़ी बुखार आता है, बुखार आने से उनका पानी का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट हो सकता है क्या? मैं हर एक पॉइंट को इलाबोरेट नहीं कर पाया कि जैसे बुखार आया उससे डिहाइड्रेशन हुआ उसका इस पे हो सकता है। कुछ लोग कोविड की जो दवा खाते हैं उससे किसी को उल्टी हो सकती है, उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। अभी ये सेकेंड वेव में तो ये पाया गया है कि कुछ कुछ पेशेंट्स का डायरिया बोल के प्रेजेंटेशन होता है, तो दस लगने से डिहाइड्रेशन हुआ उसका भी किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। तो यानी कई तरीके हैं जिससे किडनी पे इफेक्ट हो सकता है कोविड के वजह से। कुछ प्रत्यक्ष हो सकते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, जैसे आपने बताया। पोस्ट कोविड सब में डर लगा है कि हमें किडनी हमारी इफेक्ट हो सकती है, ऐसे में उनमें क्या लक्षण पाया जाता है? कई बार क्या होता है कि जब किसी का पेशाब कम हो गया तो किडनी बीमारी है, या पैरों पे सूजन आया तभी किडनी बीमारी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कई बार खाना न जाना या नौशिया वोमिटिंग होना
ये एकमात्र किडनी बीमारी का लक्षण रह सकता है, या फिर आपका होश कम होना, कॉन्सेंट्रेशन कम होना, कमजोरी महसूस होना, तो आप इससे भी किडनी बीमारी का प्रेजेंटेशन रह सकता है। ये मत समझिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उल्टी होगी तो किडनी बीमारी है ही, लेकिन अगर उल्टी हुई तो एक कारण उसका कई और कारणों के साथ साथ एक कारण किडनी बीमारी भी हो सकती है। तो इस टाइप के अगर क्लियर है कि अगर आपके यूरिन का कलर चेंज होता है, किसी को रेड कलर यूरिन होता है, या पैरों पे सूजन आता है, या आँखों के अराउंड सूजन आता है, या यूरिन कम होता है, तो तकरीबन ये तय मान लो कि ये किडनी संबंधित प्रॉब्लम है। पर ये नहीं होते हुए भी कुछ ऐसे सिम्टम जैसे खाना कम होना, नौशिया यानी मलमल होना हमेशा, या फिर उल्टी होना, ये भी किडनी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। कोरोना होने के बाद पेशेंट को काफ़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, आई फ्लूड दिया जा रहा है, एंड दूसरा पेन किलर दिया जा रहा है, इसकी वजह से आगे चल के उनके किडनी पे इफेक्ट हो सकता है क्या? कोविड का बीमारी तकरीबन एक साल हो गया है, समय के साथ डॉक्टर्स भी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, और जनरली ऐसी कोई मेडिसिन जिससे किडनी पे बहुत ज़्यादा हार्म हो ये इस्तेमाल में होते हुए मेरे नज़र में नहीं है। मैं इसके पहले सिग्मा हॉस्पिटल में काम करता था, अभी मेडिकल हॉस्पिटल में काम करता हूँ या कई हॉस्पिटल में विजिट करता हूँ, तो जनरली ये सारे प्रिकॉशंस ऑलरेडी डॉक्टर लोग ले रहे हैं, या फिर जिनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है और उनको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने का ज़रूरत है तो डोज मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, अगर वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो पहले तो ये माना जा रहा था कि किडनी का बीमारी थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस्तेमाल ही मत करो, लेकिन हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम उसका डोज या उसका अंतराल यानी इंटरवल मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो रेमडेसिविर भी हम सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको जो भी दिक्कत सामने आने वाली है उसके बारे में अवेयरनेस रहना चाहिए, सब डॉक्टर टीम को रहना चाहिए, और उसके अनुसार मेडिसिन के डोजेस में या मात्रा में या ड्यूरेशन में हमने बदल करने का ज़रूरत है। और ये अगर किए तो हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि नए सिरे से कोई किडनी प्रॉब्लम मेडिसिन से डेवलप नहीं हो रहे। किडनी वाले पेशेंट के लिए हम बोलते हैं क्या, किडनी प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट आपने काफ़ी पेशेंट का अनुभव है, तो हमारे दर्शकों को बताइए किडनी प्रोटेक्शन कैसा करना है, प्रोटेक्ट कैसा करना चाहिए, कोरोना होने के बाद आने वाली बाधाएँ कैसी रोकना चाहिए अपने, या फिर अपनी किडनी हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? किडनी हेल्दी करने का कोई एक सिंगल मैजिक मेडिसिन या सिंगल उपाय नहीं है, वो एक कंबाइंड ट्रीटमेंट है जो कि कोरोना के लिए भी लागू पड़ता है या जिनको कोरोना नहीं है उनके लिए भी लागू पड़ता है। तो जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, वो कोरोना हो सकता है, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, उसका सही इलाज करना ये सबसे पहला तरीका है। दूसरा है कि अगर आपको आपके शरीर में किडनी बीमारी है या नहीं ये मालूम करने के लिए खुद होके टेस्ट करना ज़रूरत रहता है, जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। जब कोई भी बीमारी सिम्टम्स के साथ डिटेक्ट होती है तो जनरली वो बढ़ी हुई रहती है, यानी अगर मैं उदाहरण दूँ तो अगर किसी को हार्ट अटैक से अगर हार्ट की बीमारी पता चल रही है तो इसका मतलब है उसको ऑलरेडी ब्लॉक आ चुका है, उसको अगर पहले पता करना है हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं तो उसको और टेस्ट करने की ज़रूरत रहती है, जैसे ECG कराओ या TMT कराओ, तो उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। सेम किडनी के लिए रहते हैं, किडनी के तीन बेसिक टेस्ट है, यूरिन एग्जामिनेशन करो, क्रिएटिनिन करो और सोनोग्राफी करो। इसमें ये अगर नॉर्मल है तो किडनी बीमारी रहने का चांस 99% नहीं रहता है, ये एक फ्रिक्वेंट इंटरवल के बाद सबने करना चाहिए। उसके अलावा एक मुद्दा ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था जो मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन का साइड इफेक्ट किडनी पे होता है, तो जब भी आप मेडिसिन लेते हो, अभी ये कोरोना काल में हमने देखा है कि लोग खुद ही डॉक्टर बन चुके हैं, लोग खुद ही CT स्कैन का स्कोर बताते हैं, हमारे पास खुद ही ऐसा चित्र पेश करते हैं कि बस वही ट्रीटमेंट करने वाले हैं और हमें तो सिर्फ हमारी इजाज़त लेना चाहते हैं, तो ये जो खुद के तरफ से जो की जाने वाली ट्रीटमेंट है ये घातक हो सकती है। कई लोग खुद के दिल से ज़्यादा डोज स्टीरॉइड्स का ले रहे हैं, जैसे आपने बोला कुछ पेन किलर्स मेडिसिन ले रहे हैं, ये घातक हो सकता है। एक जो अनुभवी डॉक्टर है, एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके गाइडेंस में अगर आप सही ट्रीटमेंट लेंगे तो एक लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में आपको लगता होगा कि ये डॉक्टर के पास जाने से मेरा खर्चा बढ़ेगा, ये होगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस गलत होते हैं। इसलिए जो भी आप करें डॉक्टर की सलाह अनुसार करें, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कोई भी डॉक्टर अपनी ईमानदारी से ही पेशेंट का उपचार करना चाहता है। ये एक सवाल बहुत कॉमन रहता है किडनी बारे में या कोई भी बीमारी रहा तो उसमें खाने पीने में क्या परहेज रखना चाहिए।
तो किडनी बीमारी प्रिवेंशन का, अगर आप अगर हेल्दी है और आपको किडनी बीमारी प्रिवेंट करना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल काम को पालन करना है जो कि किडनी के लिए प्रोटेक्टिव है। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आ गया है कि आपके खाने पीने में नमक कम रहना चाहिए, दिन भर में ऐसा समझना चाहिए कि आपने आपके खाने पीने में आधा चम्मच से ज़्यादा नमक जाना नहीं चाहिए। उसके अलावा वाटर इनटेक आपका अप्रोप्रिएट चाहिए। अप्रोप्रिएट कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर के ज़रूरत के हिसाब रहना चाहिए। जनरली हम इसे 2 से 3 लीटर या 8 ग्लास वाटर 24 घंटे में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से कुछ कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत रहती है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन या किडनी स्टोन, इस प्रकार का है तो आप ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन नॉर्मली अगर आप हेल्दी फिट है तो बहुत ज़्यादा पानी पी के किडनी साफ होगा ऐसी कई लोगों की धारणा है, कोई नेचुरल थेरेपी करता है, तो ये सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपकी प्यास के अनुसार नॉर्मल रेगुलर इंटरवल पे पानी पिए। प्यास को इग्नोर मत करिए। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं कि प्यास लगी है पानी नहीं पीते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, किडनी पे किडनी बीमारियों का टेंशन रिस्क ज़्यादा होता है। तो वाटर इनटेक आपका अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। उसके अलावा जिनको शुगर बीपी इस प्रकार का कुछ अगर प्रॉब्लम है जिससे किडनी बीमारी आ सकती है, उन लोगों का नॉनवेज इनटेक रेगुलेटेड चाहिए। यानी रोज़ाना कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि रोज़ाना नॉनवेज खाते हैं तो वो उनके लिए ठीक नहीं रहता है। दूसरी बात आती है ऑयल की। ऑयल आपने बदल बदल के यूज़ करना चाहिए। कई लोग ऐसा मिक्स ऑयल यूज़ करते हैं तो वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि सबके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहते हैं। तो आप अलग अलग टाइप के ऑयल यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो सिक्वेंस में यूज़ करना चाहिए। एक महीने में एक ऑयल, समझो एक महीने में आपने सनफ्लावर यूज़ किया तो नेक्स्ट मंथ सोयाबीन कर सकते हैं, करड़ी कर सकते हैं, ऐसा अल्टरेशन से करना चाहिए। तो आहार में सेफ्टी के लिए कई सारे बिंदु है, ये छोटे से इंटरव्यू में डिस्कस करने से बियॉन्ड है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट टिप्स इसके माध्यम से देने की कोशिश की है। बाकी आप जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल यानी जंक फूड आपने अवॉइड करना चाहिए। अभी तो बहरहाल लॉकडाउन की वजह से आपको बाहर का ज़्यादा खाने का मौका कम है, तो आउटसाइड फूड हमने अवॉइड करना चाहिए। जो स्टोर्ड फूड है वो हमने अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि नूडल्स है या चिप्स है, कुरकुरे है, ये सब चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए। पैनक्रियाज की बीमारी की वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट होता है क्या? जी, पैनक्रियाज जिसको हम स्वादुपिंड बोलते हैं, स्वादुपिंड बेसिकली पैनक्रियाज एक अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिससे बहुत सारे एंजाइम्स जनरेट होते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो खाना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ पावरफुल केमिकल की ज़रूरत रहती है, और वो जो उनको ऐसा समझो कि वो गला देने के लिए, खाना पेट के अंदर गला देने के लिए हमें कोई केमिकल की ज़रूरत रहती है, वो केमिकल की फैक्ट्री होती है पैनक्रियाज। जब ये पैनक्रियाज अपने जो केमिकल है सही दिशा में न जाते हुए अगर वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं तो उसको वो बीमारी को पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और ये पैनक्रियाटाइटिस जो है ये उसके कई कारण है, लेकिन एक मुख्य कारण अल्कोहल है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको पैनक्रियाटाइटिस का रिस्क होता है, और ये गंभीर स्वरूप की बीमारी है, जानलेवा बीमारी तक साबित हो सकती है, और इसमें किडनी पे इफ़ेक्ट आ सकता है। हर किसी को आएगा ये नहीं, लेकिन 10-20% जो सीवियर पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट है इनमें किडनी फेल्योर तक हो सकता है। जी हाँ, तो पैनक्रियाटाइटिस किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफ़ी हमारे दर्शकों को अच्छी मालूमात मिली है किडनी और कोरोना के बीच होने वाले सिम्टम्स के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में। दर्शकों, इसी तरह आरोग्य जागरूकता हर हमेशा एक डॉक्टर्स के बारे में हमें आपको जागरूक करता रहेगा। धन्यवाद।